नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हले प्रथमे हेडलाइंस आज लघुचाप रूप नेब बंगोपसागर सृष्ट घूर्णिवलय 24 रे अधिक घनीभूत हो नहीं पारे बात्यार रूप 26 रे सुंदरबन और बांग्लादेश मध्यरे छुईपारे स्थलभाग आलर्ट रे उपकूलवर्ती जिला संभाव्य बात्या यश को नहीं बढ़ला चिंता सामाजिक संगठन और साधारण लोकों प्रस्तुति बात्या को मुकाबला पाई सरकार को सजवाज एयर इंडिया में बड़ धरणर साइबर हमला 45 लाख पैसेंजर तथा ग्राहकों डाटा लीक ना पासपोर्ट सहित क्रेडिट कार्ड तथ्य लीक नहीं सूचना लीक पचर कारण खोजुची विमान संस्था साइक्लोन ताउतेरे क्षतिग्रस्त कर्मचारियों ओएनजीसी रो बड़ घोषणा उद्धारों को दिजिव 1 लाख मृत तथा निखोज परिवार को 2 लाख सहायता रेस्क्यू ऑपरेशन में 186 जन उद्धार 51 मृत एवं निखोज अच्छा 24 राज्य में केते वेंटिलेटर अच्छी कह राज्य सरकार को बीजेपी साधारण संपादक गोलोक महापात्र प्रश्न पीएम केआर रे ओडिशा को आसी 567 वेंटिलेटर तथ्य मागि कले ट्वीट विजयपुर रे कबाड़ आंबुलांस को नहीं श्रम मंत्री कारनामा फिटनेस नहीं हेले रंगो बळी करदे लोकार्पण मंत्री को जिलावासी प्रश्न काहीकि ठेली दौछ आमको मरण रथखोल चली रथ निर्माण कम आरंभ है बायो बबल कटकड़ा सुरक्षा व्यवस्थार जांच कले जिलापाल और एसपी सरला तीन रथ पर आवश्यक 40 तुंभर काम एवं नंदनकानन नवासी भर्चुआल रे मजा ने दर्शक वेबसाइट और सोशल मीडिया रे देखा मिलू मजादार वीडियो महामारी को दृष्टि रखी सबुदिन नंदनकानन को सानिटाइज बुलेटिन आरंभ करिबा सही बड़ खबर आसुची बात्या यश बंगोपसागर दाना बांधुवा बात्या अति भीषण रूप नहीं विभाग आकलन अनुजाई 60 किलोमीटर को टपी पारे पवन रेग पवन सह प्रबल अति प्रबल वर्षा धरी माड़ आसव बात्या उत्तर ओडिशा और पश्चिमबंग उपकूल में 26 तारीख में माड़ हो पारे आज पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर संलग्न उत्तर आंडामान सगर में लघुचाप परिणत हो 24 तारीख सुधा घनीभूत हो बात्या यश रूप नेब वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रूप ने पवन रेग 118 रु 166 किलोमीटर जाए रायनक रूप नेब समुद्र बात्यार केन्द्रस्थल 14 मीटर जाए उठी पारे ढे भद्रक मेदिनीपुर मझे यह स्थलभाग में माड़ा संभावना अच्छी यार मझे रही बालेश्वर संभवतः बात्या केन्द्रापड़ा और भद्रक घसी हो बालेश्वर पाखे पहुंच ए बाबद सदासख आलोचना करने भद्रकु आम प्रतिनिधि दीप्तिरंजन साहू आम सहित जोड़ी दीप्ति जदि कह संभाव्य बात्या यश को नहीं बर्तमान समस्त मनरे भय रही आज जदि चित्र स्पष्ट किंतु हो कि द्वारा भद्रक बालेश्वर विशेषकर प्रभावित हो प्रस्तुति को किभली देखुं बात्या पूर्व निश्चित भाव देखु कहीं जो संभाव्य बात्या यश को नहीं कि भद्रक जिला प्रशासन भी मध्यम बैठक करिचे एवं समस्त प्रकार प्रशासनिक अधिकारी समेत जदि देखिए वर्चुअल मोड रे सांसद एवं समस्त प्रकार विधायक एवं सरपंच और जो पीओ मेंबर मान सहित समस्त प्रकार आलोचना कर जिलापाल किपर भाव में तलिया अंचल जो रही भद्रक बासदेवपुर और चांदवाली धामरा मुख्यतः यही तीनोटी अंचल को विशेष भाव में प्रभाव पकेब ताकू नहीं देखा जिला प्रशासन पक्ष व्यापक प्रस्तुत कर जिलार 84 बात्या आश्रयस्थल को सजाग रखाई तेज जदि कोविड कटक गोटे पटे रोचे ता बड़ चैलेंज हम जिला प्रशासन से 65 स्कूल को मध्य स्लेटर भाव नहीं जिला
प्रशासन पक्षर सूचना मिली तेज जो तलिया अंचल लोक प्रतिक्रिया ना आम तलिया अंचल लोक मैंने कौन तक मन भितर भय रही से नहीं आम पचार बुझा के सचेतन अच्छा आज्ञा आप जो बात्या जो संभाव्य बात्या ईएस को लेकिन आप सचेतन अच्छा सचेतन वर्तमान महामारी कोरोना भितर सचेतन हो रहा कथा आम उपकूल रोचु सालंदी नदीकूल रोचु तेणु आम पाखर भी ना बात्या आसे आम भय अच्छे केमी कौन जो सरकार कही जो चाला घर रही पक्का घर को उठी जी मन भितर कि अच्छी भय भय अच्छे हटात जो आसला बड़ बड़ बात्या गछ पत्र अच्छी आम घर पाखर से भयंकर भाव जदि पाखर आश्रय स्थल अच्छी जहाँ सरकार जदि किसी आम सुविधा करती मुकाबला सुविधा सरकार सुविधा जहाँ अच्छे से कि दूर अच्छी हटा जदि किसी आम विपद हम निश्चित भाव आज किसी लोक प्रतिक्रिया ना माँ आपड़ के सचेतन अच्छा ये जो संभाव्य बात्या ईएस को लेकिन आम पाखर शाणी पाखर ना बड़ गच मान भय भर सब बड़े डर रोचे या भितर सरकार जहाँ साय करे जहाँ आम सा टलब निश्चित भाव लोक मन भितर कौटि ना कौटी भय अच्छे कि आप भय करूँ ना बात्या संभाव्य बात्या ईएस को जपर भाव में केत सचेतन रोचान आप जेहतु गोटे पट करोना आ गोटे पट बात्या संभाव्य बात्या कौन कहे के सचेतन अच्छे बहुत डर रोचे बात्याटा केत आसो कौन करें तो चाल घर नालापाख नई पाखर आम बास कर तेणुक सरकारी सहायता को अनु सरकार कौन आमको सुविधा करेंगे आम यहीपाई अपेक्षा कर निश्चित भाव लोक मान जो प्रतिक्रिया रोचे संभाव्य बात्या नहीं कि भाव मन भितर कौटी ना कौटी भय रही भय रोचे कि सचेतन अधिका सचेतन जिला प्रशासन अच्छी जो लोक स्थानांतर कर व्यापक बंदोबस्त सामान भाव बालेश्वर जलेश्वर आम प्रतिनिधि गोपबंधु साहू आम सहित जोड़ गोपबंधु जदि देखा जे आकलन करत्या अत्यंत भयंकर रूप ने स्थल भागर 14 मीटर जाए ढे उठी पारे समुद्र मध्य अशांत रही है यारी मध्य कह भद्रक ठारू जेतु मेदिनपुर मझे या स्थल भाग में माड़ हे तेणु यारी मझे जेतु बालेश्वर रोची संभवतः बात्यार प्रभाव विशेषकर केन्द्रापड़ा भद्रक घसी हुई बालेश्वर यार विशेषकर प्रभाव पड़ पारे बालेश्वर प्रशासनिक स्तर में केते प्रस्तुति आपड़ देखुं कौन सब प्रस्तुति कर लोक केमती सचेतन करतमान सुधा प्रशासन पक्षर कौन सब व्यवस्था करागला हाँ देखते नेबेता जदि आम कह जो बात्या ईएस रही बात्या ईएस को नहीं भयभीत अच्छा बालेश्वर बासिंदा कहीं जो भाव पापाग विभाग पूर्वानुमान कर सठिक आकलन जो कर जो रही भद्रक रु रामनगर जो रही मेदिनीपुर लैंडफल कर जहाँ बर्तमान करदि सठिक अनुमान करफल होगा जहाँ को लेकिन बालेश्वर बासिंदा बहुत भयभीत रही प्रशासन पक्षर जहाँ जहाँ प्रिकसन ना कथा सेल्टर हाउस जो रही बात्या आश्रयस्थली समस्त को से सब कु दृष्टि रखा एवं सब तैयार कराऊ कारण प्रशासन गोटे प्रकार चैलेंज हम जे कोविड रही जो कोविड जो बात्या आश्रयस्थल रही से सब कु क्वारंटाइन सेंटर टीएमसी सेंटर कर मात्र ताकू सानिटाइज करवर्त बर्तमान बात्या से सब कुछ प्रिपेरेसन कराऊ जदि आम कह गोटे वर्ष पूर्व को फेरिया चाहबू जिते अम्फान जा सुंदरबन लैंडफल कर गत वर्ष मे 20 तारीख बालेश्वर जिला भुगराई मध्य बेस प्रभाव पड़ी सहयोगी को सीधा सड़क चित्र देखा चाहिए ये जो घर रही जदियो सुंदरबन लैंडफल करथला किंतु भुगराई तार प्रभाव बेस रही जो यही घर से समय जो रही घर छप्पर उड़ी जाता जहाँ फल भांगी जाता कि चलित बर्ष बात्या शुणी जो घर को बांधुंट छप्पर जो रही छप्पर सब पलिथिन मेला देखा सहयोग देखा घर जो घर पुओ अच्छा बात्या को नहीं से सजग रोच्च बात्या को सम्मुखीन करने प्रस्तुति होती जहाँ देखी पारे चित्र भाई कौन कहे बात्या ईएस को नहीं कौ भाया प्रशासन पक्ष तो सचेतन करो भाया मुकबिला कौ भाया प्रस्तुत रही
ନୌକି ତ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ ସରକାର କିସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ କୋଉଭଳିଆ ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଛପର ଘର ରହିଛି କୋଉଭଳିଆ ଏବେ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାନ୍ଧା ଯୋଉ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଦଉଡ଼ିରେ? ହଁ ବାନ୍ଧୁଛେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସରକାର ତ କିଛି ଚାହୁଁନି ଆମ ପାଇଁକି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି ଛପର ଘର ରହୁଛନ୍ତି? 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଗତ ବର୍ଷ କଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଗତ ବର୍ଷ ପୁରା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା କଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଛନ୍ତି? କିଛି ପାଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପାଇଛନ୍ତି? ସେସବୁ କିଛି ପାଇନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଇଆସକୁ ନେଇ କେତେ ଭୟଙ୍କର? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅମ୍ଫାନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇରେ ଏବଂ ସେଠାକାର ଲୋକେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କମିନାହିଁ ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେମାନେ କୋଟିନାକୋଟି ଭୟଭୀତ। ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଲେଣି ଯେ କେମିତି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ, କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ସେ ବାବଦରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଆମକୁ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ବାତ୍ୟା ୟଶକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସଚେତନ ହେଲେଣି ଯେ କିଭଳି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାମାରୀର ସମୟ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନସ କାନୁନଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାନସ, ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ବାତ୍ୟା ୟଶକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମହାମାରୀ ସମୟ ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଏହାର ଜଗତସିଂହପୁର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ, କେତେ ସଜାଗ ଲୋକେ, କେତେ ସଜାଗ ହେଲେଣି? ତେବେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟା ୟଶର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ଯଦିଓ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ 24ରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, 24ରେ ସୁନ୍ଦରବନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ଯେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ସୌତୁଣୀକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଫେଲ୍ ହେଲା ସୌତୁଣୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଗୋଠପାଟଣାରେ ଘଟିଛି ଏମିତି ଘଟଣା। ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଶ୍ରାବଣୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଇସା ଆଣିବା ବାହାନା ଦେଖାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଗୋଠପାଟଣା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ମହିଳା ଜଣକୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଓ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଜୀବନରୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆହତ ମହିଳା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ସେଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଥିବାରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଫାଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କାଲି ରାତି 8ଟାରେ ଆମେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟାର ଆସିଥିଲୁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା ଉଠାଇବୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଟୋରେ ଲଗେଇକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ମାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଚିତ୍କାର ଗଲା ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଧମକେଇଲେ, ଆଉ ସେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିଲେ, ଆମକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ସେଠୁ ଆମେ ଧରାଧରି କରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇଦେଲୁ, ସେମାନେ ଖସିକି ପଳେଇଲେ। ତା'ପରେ ଆମେ 10କୁ ଫୋନ୍ 100କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, 100 ସେଠୁ ଚନ୍ଦକା ଥାନା PCRକୁ ପଠେଇଥିଲା, PCR କବଳରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ଚନ୍ଦକା ଥାନାକୁ ପଠେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏପଟ ଏରିଆ ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏପଟେ ପୁରା ଘୋର ଅପରାଧ ଚାଲିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ କଟାମୁଣ୍ଡ ବି ଏପଟ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା, ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ଏପଟେ ତ୍ରିପଲ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଡି କରାଯାଉ। ଲିକ୍ ହେଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡାଟା। ଜାତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡାଟା ଲିକ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର 45 ଲକ୍ଷ ପାସେଞ୍ଜର ତଥା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡାଟା ଲିକ୍ ନେଇ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ 26 ଅଗଷ୍ଟ 2021ରୁ 3 ଫେବୃଆରୀ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ନାମ, ଯୋଗାଯୋଗ, ପାସପୋର୍ଟ ସୂଚନା, ଟିକେଟ୍ ସୂଚନା, ଷ୍ଟାର ଆଲାଏନ୍ସର ପାସୱାର୍ଡ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫାୟାର ଡାଟା ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସୂଚନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ ଏହି ଡାଟା ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ 45 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ତଥ୍ୟ, CVV ତଥା CVC ନମ୍ବର ଆମ
प्रोसेस रखाए ना कि सर्वर ठीक होगा जाए किसी कहीहबन तेज एयर इंडिया पक्षर घटनार जांच कर नहीं सूचना रही। कोरोना कटकणा को जोरदार करा बेले दुकान बजार बंद रही समय रे खाइबा पाई नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होती रोगी संपर्कीय खासकर एमानकु एबे खाइबा देबाकु आगे आसी एक संस्था उत्कंठ फ्री फुड। लॉकडाउन समय रे बुर्ला कोविड हॉस्पिटल रा रोगी संपर्कीय दुर्दशा कहिले न सरे कौन दीटा खाइबा पाई नाही नथिबा हैरान होउछंती दिन बेला होटल रु किनी खाउछंती हेले राति रे खाइबा पई असुविधार सम्मुखीन होबाकु पडुछे भोक उपास रे रहउछन्ति बेले बेले अधिक टंका दे खाइबा किणिबाकु पडुछे एहारि भितरे गरीब रोगी संपर्कियंक खाइबा कथा बुझिबा पई आगे आसीछि उत्कंठ फ्री फुड। निजे रोसेई करी आजिकु 10 दिन हेला सबुदिन संध्यारे पाखापाखि 300 रु 400 रोगीक परिजनंकु खाइबाकु देउछे ए संस्था। आज 9 दिन है चंद्र कमिटी वाले बरगड़ एम डी सूरज पुजारी आसिक सब खबर भी देखे ए संपर्क में जानापर बरगड़ सांसद तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता सुरेश पुजारी उत्कंठ फ्री फूड सदस्य मान उत्साहित करजे खाद्य बांटवे सा सहित रोगी संपर्कियों भलमंद बुझिंट सामाजिक संगठन मान ओडिशा विभिन्न जगह समस्त विभिन्न जगह काम करते उत्कंठा गोटे अनुष्ठान जेन अनुष्ठान कार्यकर्ता मैंने आज नवम दिन ओडिशा जेन रोगी मान सब एडमिट होकर जेन परिजन से आश्रय देवार खाबार जोगे देवार काम जो मैंने कर उत्साहित करवा लगे भी आई ई अवसर में जेन मैंने कोरोना रोगी परिजन अच्छे से सागर मैं कथा लगे परिजन जे हिंसा एडमिशन के गाँव चिकित्सा चलिए बहुत गंभीर परिस्थिति से परिस्थिति भितर केन्द्र सरकार राज्य सरकार सागर जेन मैंने ताल देखें उत्कंठा भाया सामाजिक संगठन मान जेन मैंने खावा दौन जेन मैंने आश्रय दौन जेन मैंने अक्सीजेन सिलिंडर जेन मैंने होम आइसोलेसन रोगी मानक दौन बहुत प्रशंसन कार्य। कोरोना महामारी समय रे उत्कंठ फ्री फूड तरफ बुर्ला कोविड मेडिकल रो रोगी संपर्क मानंकु खाद्य बांटिबा कार्य को विभिन्न महल रे प्रशंसा करा जाइछे। संबलपुर बुर्ला रु ज्योतिरंजन नंदन का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। भारत रे कोरोना लड़े को बल चुकाइबो आरबीआई केन्द्र सरकार को पाई 99,000 122 कोटी बलका अर्थ को मंजूर करिछे। गत आर्थिक वर्षर 9 मास बलका अर्थ प्रदान पाई घोषणा करिछि आरबीआई। सरप्लस अर्थ प्रदान सरकार को कोविड महामारी द्वारा सृष्टि होइतिबा आर्थिक चाप को ह्रास करिबारे साहाज्य करिबो एवं एहा अर्थनीतिर अभिवृद्धि रे सहायक हेबो बोली आशा करा जाउछि। भारतर कोरोना लड़े को बल जोगाइबो आरबीआई केन्द्र सरकार को पाई 99,122 कोटी बलका अर्थ मंजूर। गत आर्थिक वर्षर 9 मास बलका अर्थ प्रदान पाई आरबीआई घोषणा। जुलाई 2020 रु मार्च 31 तारीख 2021 मध्य शेष होता 9 मास बलका अर्थ 99,122 कोटी टंका को केन्द्र को देवाई एक प्रस्ताव को मंजूर देती आरबीआई। शुक्रवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास अध्यक्षता रे केन्द्रीय बोर्ड 599 बैठक बसला। से बैठक में यह निष्पत्ति नियाजाइछि। आरबीआई प्रेस रिलीज अनुसार बोर्ड यार बैठक में वर्तमान अर्थनैतिक स्थिति विश्व तथा घर क्षेत्र में सृष्टि होता आह्वान एवं कोविड द्वितीय लहर अर्थनीति पड़ता प्रतिकूल प्रभाव को ह्रास करने विभिन्न समीक्षा करने नीतिगत पदक्षेप देसत कंटिजेन्सी रिस्क बफर 5.50% बजाय रखा निष्पत्ति आरबीआई। आरबीआई केन्द्र सरकार 1,76,000 कोटी डिविडेंड फंड पेमेंट अनुमोदन कर जो 2020 आर्थिक वर्षर 1,48,000 कोटी टंका रही। सरप्लस अर्थ प्रदान सरकार को कोविड महामारी द्वारा सृष्टि होता आर्थिक चाप को ह्रास करे सहायक करनीतिर अभिवृद्धि सहायक होशा कर।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆମଦାନୀରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଯାହା ବଳକା ରୁହେ ତାହା ହେଉଛି ସର୍ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ଥ। ଏହି ଲାଭର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ଆର୍‌ବିଆଇ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। समय सरी बुलेटिन को एड़ी सारे विदा दिंतु नमस्कार।